नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी एग्जाम में। दोस्तों यहाँ पे आरआरसी ग्रुप डी की हम यहाँ पे पूरी फुल डाटा को डिस्कस करेंगे, जहाँ पे आपको सैलरी के बारे में, प्रमोशंस के बारे में, ग्रुप डी की कितनी इनकम टोटल है, कितना एचआरए मिलता है, कितना पीए मिलता है, कितना डीए मिलता है, सब कुछ के बारे में हम लोग यहाँ पे आपको विथ प्रूफ आपके साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो किस पोस्ट में आपको सबसे ज़्यादा सैलरी मिलेगी, बकायदा करके हम लोग पूरी वीडियो को आप लोग अंत तक ज़रूर देखें, आपको पूरे आपके सारे डाउट्स, सारे चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी यहाँ पे। और दोस्तों यहाँ पे आप लोग को जो इनकम को लेकर लगता है कि आपके बहुत कम रुपए कम मिलेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। ग्रुप डी की जॉब भी अच्छी जॉब है एंड इसमें आपकी सैलरी बहुत अच्छी खासी है। तो आप लोग को विथ प्रूफ मैं आपको पूरा डिटेल यहाँ पे दिखाऊंगा, तो फ्रेंड्स वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। तो दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं सबसे पहले तो उन लोग से बोलना चाहूँगा, जो भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं वीडियो के साथ हम लोग। तो दोस्तों चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो के साथ। आरआरसी ग्रुप डी की पूरी सैलरी, पोस्ट वाइज प्रमोशंस और इनहैंड सैलरी आपकी कितनी आएगी, मैक्सिमम सैलरी कितनी रहेगी, मिनिमम सैलरी कितनी रहेगी, पूरी जानकारी को हम आपको वीडियो में डिस्कस करेंगे, आपको यहाँ दिखाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे बेसिक पे आप लोग का क्या रहता है ग्रुप डी की जॉब के लिए। बेसिक पे यहाँ पे आप लोग का जो रियल सैलरी रहती है वो रहती है टोटल 18,000 रुपीज़ प्लस डीए, मतलब महंगाई भत्ता। ठीक, महंगाई भत्ता ये आप लोग का वेरिएबल रहता है, ये आप लोग का हर साल जनवरी और जुलाई के आसपास अराउंड में आप लोग का महंगाई भत्ता बढ़ता है, जो कि 1260 रुपये के अराउंड ये रहता है। ठीक, देन हम बात करते हैं एचआरए की। एचआरए क्या होता है, हाउस रेंट अलाउंस होते हैं। ठीक, तो ये आप लोग का अलग अलग जोन के हिसाब से अलग अलग टाइम पे घटता है, बढ़ता है, इस टाइप से रहता है। कि जैसे कि मान लीजिए अलग अलग जोन्स में है हाउस रेंट अलाउंस, उसके हिसाब से होता है। कि जैसे कि आप मेट्रो सिटीज़ में हैं या किसी छोटे शहर में हैं या किसी बहुत ही बड़े शहर में हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आप लोग का महंगाई भत्ता यहाँ पे बढ़ता है। जैसे कि 1800 रुपये, 3600 रुपये और 5400 रुपये, इसके अकॉर्डिंगली ये महंगाई भत्ते हैं और इसी के अकॉर्डिंगली आप लोग को इन्हीं तीनों रिकॉर्डिंग आप लोग को मिलता है। ठीक, देन हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस में भी आप लोग का यही है कि इसमें जो आप लोग का रहता है, इसमें ये आप लोग का ट्रांसपोर्ट अलाउंस उसके अकॉर्डिंग मिलता है। जैसे कि आप लोग अगर मेजर सिटीज़ और माइनर सिटीज़ में होते हैं, छोटे छोटे सिटीज़ और बड़े बड़े सिटीज़ में, इसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी दिया जाता है। 900 से 1800 रुपये तक आप लोग को ट्रांसपोर्ट अलाउंस यहाँ पर दिया जाता है। ओके, देन आपको यहाँ और बताते हैं कि टोटल सैलरी आप लोग का कितना बन रहा है। तो टोटल सैलरी आप लोग का मिनिमम बेसिक पे जो है 1800 हो गया, डी आपका 1260 हो गया, एचआरए आपका 1800 हो गया। ठीक, देन आप लोग का टीए हो गया 900 मान लीजिए, ट्रेवल अलाउंस। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंगली जब आप टोटल कैलकुलेट करेंगे तो 21,960 रुपये। ये स्मॉल सिटीज़ की बात कर रहे हैं हम लोग, छोटे शहरों में अगर आप हैं तो छोटा सा छोटा अमाउंट लेके अगर मानते हैं हम लोग, तो बेसिक पे 1800, डीए आपका 1260, एचआरए 1800 और ये टीए ट्रेवल अलाउंस 21,960 रुपये आप लोग का यहाँ पे टोटल ओवरऑल सैलरी बन रहा है स्मॉल सिटीज़ के लिए। ठीक, देन हम आगे बात करते हैं कि अगर मैक्सिमम सैलरी आप लोग का जो रहेगा वो कितना हो सकता है। तो मैक्सिमम सैलरी के हिसाब से अगर हम बात करें, जैसे कि आप अगर बड़े शहर में रह रहे हैं, मुंबई मेट्रो सिटीज़ लाइक दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, इस तरह से अगर आप रह रहे हैं, तो दोस्तों आपका जो बेसिक पे रहेगा वो आप लोग का रहेगा 1800 रुपये और डीए आप लोग का रहेगा 1260 और एचआरए आपका 5400 रहेगा, टीए आपका 1800 रहेगा। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर आपका, जैसे कि अगर आप जैसे बड़ी सिटीज़ में जा रहे हैं तो आपका ट्रेवल अलाउंस, डीए, एचआरए, ये सब तीनों चीज़ें बढ़ जाती हैं अकॉर्डिंगली। ठीक, तो इसका अगर टोटल आप लोग मिलाएंगे तो आपको 26,460 रुपये तक आप लोग का सैलरी जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग को इतना रुपये मिल जाएगा। ठीक, फिर एक चीज़ और आपको मेन बात मैं बताता हूँ, जो प्रोविडेंट फंड आप लोग ने जानते ही होंगे, भविष्य निधि, प्रोविडेंट फंड मतलब भविष्य निधि, मतलब कि सरकार ऐसा करती है जब भी आपको सैलरी देती है तो आपको जो प्रोविडेंट फंड में कुछ रुपये कट जाते हैं। ठीक, कहीं भी आप अगर जॉब ज्वाइन करेंगे, गवर्नमेंट जॉब, तो आप लोग को वहाँ पे पीएफ कटता ही कटता है हर सैलरी में से, मतलब जितनी भी सैलरी हो आपकी, 60,000 हो, 70,000 हो, 80,000 हो, 1,00,000 हो, हर एक में भविष्य निधि के लिए आपके पैसे कटते हैं। तो इसमें आप लोग का कितना कटता है, जैसे कि 10% आप लोग का है ना भविष्य निधि के लिए कट जाता है हर सैलरी में से, तो इसमें भी आपका 18,000 का बेसिक पे में से आप लोग का भविष्य निधि में से
1800 रुपये, 10% मतलब 1800 हुआ, ये आपका कट जाता है। तो टोटल सैलरी आपकी 16,200 के अराउंड आप लोग का ये हो गया। ईयरली इंक्रीमेंट भी इसमें होता है, 3% का ईयरली इंक्रीमेंट होता है। अगर आप हर साल, जैसे कि अब साल 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 आप लोग का बढ़ता जाता है, आप लोग की हर साल, मतलब मान लीजिए आपने आज 2018 में ज्वाइनिंग की है, 2019 आ गया, 2020 आ गया, इस तरह, तो हर साल आप लोग का 3-3% का इंक्रीमेंट होता रहेगा। ठीक, अकॉर्डिंगली आपका इसी तरह इंक्रीमेंट होता है, ईयरली इंक्रीमेंट 3% का आपको पूरे साल में साल। ठीक, अब आपको मैं इसमें बता देना चाहता हूँ कि फैसिलिटीज़ आप लोग को क्या क्या मिलती है इसमें, और क्या क्या मतलब प्रॉफिट्स आप लोग के रहेंगे इसमें, इस जॉब के क्या क्या फ़ायदे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको बता देते हैं। जैसे दोस्तों, अगर आप लोग नाइट ड्यूटी करते हैं तो नाइट ड्यूटी का जो आप लोग को एक्स्ट्रा चार्जेस मिलता है वहाँ पर, अगर आप नाइट शिफ्ट करेंगे तो आप लोग को नाइट चार्जेस के लिए आपको पे किया जाएगा, आप लोग को वहाँ पे अलाउंस मिलेंगे आप लोग को नाइट ड्यूटी के लिए भी। तो आप सैलरी जितना चाहें आप उतना बना सकते हैं नाइट ड्यूटी करके, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग का सैलरी बहुत हाई हो जाएगा। इफ़ यू आर सेंट ऑन ड्यूटी आउट ऑफ एच हेडक्वार्टर फ्रॉम डिस्टेंस मोर देन 8 किलोमीटर, TA विल बी पेड। अगर आप लोग को दोस्तों हेडक्वार्टर जहाँ पे आप लोग की पोस्टिंग हुई है, उस हेडक्वार्टर से अगर 8 किलोमीटर के दूर की डिस्टेंस के लिए आप लोग को भेजा जाएगा किसी काम के लिए, किसी ऑफिशियल साइट वर्क्स के लिए, तो उसके लिए आपको हर ट्रैवलिंग अलाउंस और ये सब आपको DAU सब आप लोग को मिलेगा हर 8 किलोमीटर के बाद के एरिया के लिए। ठीक, तो अगर आप 8 किलोमीटर के बाहर गए तो आप लोग को वहाँ पर ये सब चीज़ें मिलेंगी। फिर आप लोग को इसमें फ्री की क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, फ्री स्लीपर क्लासेस पास मिल जाएगा आप लोग को, स्पेशल अलाउंस मिल जाएंगे एजुकेशन के लिए, मिल जाएगा अलाउंस, कई सारी ऐसी कई सारी फैसिलिटीज़ हैं जो आप लोग को मिलेंगी। ये बेसिक मेन फैसिलिटीज़ हैं जो आपको इसमें मिलनी ही मिलनी है। ओके फ्रेंड्स, एंड दोस्तों यहाँ पे और बता दें कि जो मिनिमम सैलरी आपकी 22,000 रुपये प्लस रहेगी, और मैक्सिमम पे जो आप लोग का है 26,000 रुपये प्लस रह सकता है यहाँ पे। ठीक, तो ग्रुप डी की जॉब भी फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छी जॉब है, ऐसा कोई ख़राब चीज़ नहीं है कि लोग बोलते हैं कि छोटी जॉब है एंड ऑल इस टाइप से। आप मेहनत कर रहे हैं, आप लोग को इतनी सैलरी मिल रही है, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, आप लोग आगे भी चल के स्विच कर सकते हैं चीज़ों को, बट इनिशियल स्टेज पर अगर आप इतना पा रहे हैं बहुत अच्छी बात है ये। ओके फ्रेंड्स, अब दोस्तों देखिए, जैसे कि आपके सामने मैं एक प्रूफ लेके आया हूँ, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने कुछ अपनी तरफ से कोई सैलरी वैली वगैरह नहीं बताई है कि आपकी सैलरी ये रहेगी या इस टाइप से। ये पूरा मेन यहाँ पे खड़गपुर मंडल का है, देख सकते हैं आप लोग। ठीक, ये आप लोग देख सकते हैं, आगे आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये अक्टूबर 2018 का है जो कि आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं। यहाँ पे DA है, पे है, ट्रैवलिंग अलाउंस, ट्रेन अलाउंस है, NDA, NHA, ट्रैवलिंग अलाउंस, रिस्क अलाउंस, सब कुछ चीज़ें ये सब अकॉर्डिंगली मिला के आप लोग को यहाँ पे सब दिया गया है। ठीक, ये हर साल आपका 3% इंक्रीमेंट रहता है, और तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग का, इन्होंने 2018 में किया है, अभी 2019 का है, इन्होंने ज्वाइन जब किया था बहुत पहले किया था, तो 1 साल पहले, तो वो भी चीज़ मैं आपको अभी दिखाता हूँ यहाँ पे। जैसे कि आप लोग दोस्तों यहाँ देख सकते हैं, इनका जो थोड़ा सा ट्रैवलिंग वाला जो है पूरा जो नेट पे है, ये 23,410 है। ठीक, यहाँ पे टोटल अमाउंट अर्निंग जितना है, ये सब चीज़ें जोड़ जाड़ के आप लोग को मिल जाता है, पूरा बेसिक पे है, पूरा एक A to Z आप लोग को पूरा विथ प्रूफ, यहाँ से मैंने सारी जानकारी ली है, फिर आपके लिए पूरी वीडियो लेके आया हूँ मैं फ्रेंड्स। ओके, कोई भी ये फेक न्यूज़ नहीं है, ये आप लोग को अगर रेलवे में, आप ग्रुप सी में, अगर ग्रुप डी में जॉब लग रही है, तो आप लोग का, आप लोग को इसी के अकॉर्डिंगली आपको पे स्केल मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, और चीज़ें आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे प्रमोशंस की, प्रमोशंस कैसे होते हैं, कितने ड्यूरेशन में होता है, कितने साल में होता है, उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। तो दोस्तों प्रमोशन का जो आप लोग का सिस्टम है यहाँ पे, हर 3 साल पे आप लोग का यहाँ पे प्रमोशन होता है। ये जनरल और OBC वालों के लिए है, बेसिकली सिर्फ जनरल एंड OBC कैंडिडेट्स के लिए, SC ST के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, और ये एप्लीकेबल बस इन्हीं लोग के लिए नहीं है। जनरल OBC के लिए आपके 3 इयर्स का यहाँ पे आप लोग पास एटलीस्ट, कम से कम आप लोग 3 इयर्स का एक्सपीरियंस हो, तभी आप डिपार्टमेंटल जो वैकेंसीज आती हैं आप उनको फॉर्म को फिल कर सकते हैं और प्रमोशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, अब आके आपको बता दें आपका 3 साल कैसे माना जाएगा। रेलवे का एक है कि अगर आप 31 दिसंबर तक आप लोग का कभी भी ज्वाइन किया हो, 31 दिसंबर तक आपका अगर 3 साल कम्प्लीट होता है, 3 साल आपको अगर 31 दिसंबर तक कंप्लीट दिखाता है कि आप लोग को 31 दिसंबर तक आपके 3 साल पूरे हो गए, तब आप एलिजिबल हैं, तब आपके 3 साल कंप्लीट माने जाएंगे। कभी भी आपने ज्वाइन किया हो, अभी किया हो या बहुत पहले किया हो, लेकिन अगर आपका 3 साल तभी कंप्लीट हो रहा है 31 दिसंबर तक, 3 साल अगर कंप्लीट है, तो आप लोग को यहाँ पे आप लोग के लिए एग्जाम्स के लिए क्वालिफाइड हैं आप लोग, फिर उसके बाद फॉर्म को फिल कर सकते हैं और आगे प्रमोशंस के लिए आगे बात बढ़ा सकते हैं यहाँ पे। ओके,
तो फिर फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स, बस आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं, और ज़्यादा जानकारी जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। यहाँ पे पूरे हम लोग बाकायदा रेलवे की सारी नोटिफिकेशन लेके आएंगे A to Z। जो भी आपको क्वेरी हो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछें, और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।